सब्सक्राइब करें नेलो न्यूज को और इस बेल आइकन को दबाएं देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप पीठ दर्द के या किसी अन्य रोग से परेशान है तो आप निश्चित रूप से कई तरह के उपायों और मशीनों की ओर ध्यान देंगे, लेकिन क्या उनका इस्तेमाल सही है? तो प्रश्न, सद्गुरु, आजकल सेहत में सुधार के लिए एनर्जी पर आधारित कुछ समाधान दिए जा रहे हैं, जैसे टेंसर और फ्रीक्वेंसी जनरेटर आदि, जिनसे सिग्नल्स पर नेगेटिव पोलैरिटी बनती है और इसे शरीर में दाखिल किया जा सकता है। सवाल यह है कि इस तरह के सुधार में क्या कर्म पैदा नहीं होंगे? सद्गुरु कहते हैं, हो सकता है कि व्यवसाय के लिहाज से यह बात सही न लगे, पर मैं कहे बिना नहीं रह सकता। वाइब्रेशन, बायो एनर्जी आदि चीजों के माध्यम से इलाज करना हो तो इसके लिए बहुत सजग और सावधान रहना होगा। मैंने निजी रूप से देखा है कि इन बातों से उन्हीं लोगों को भी बहुत हानि हुई है जो इनका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उनके जीवन को बहुत हानि हुई और उनमें से कुछ लोग इस संसार से भी चल बसे। परंतु हर रोज एक नया उपकरण सामने आ जाता है। मान लेते हैं कि आपकी पीठ में दर्द है और आप किसी इलेक्ट्रिक जनरेटर के पास बैठते हैं और उसकी वाइब्रेशन से आपको आराम आ जाता है। ऐसा हो सकता है कि उसकी वाइब्रेशन से आपको दर्द में राहत मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीठ दर्द में आराम देने वाली मशीनों के नाम से इलेक्ट्रिक जनरेटर बेचने लगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसके दूसरे क्या प्रभाव हो सकते हैं। कई बार लोग अक्सर किसी बिच्छू या सांप के काटने पर गंभीर रोगों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जहर के कारण करिश्माई इलाज हो सकता है। आज वैज्ञानिक रूप से भी विष को चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। कोबरा के जहर को रहस्यदर्शियों ने बोध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन यह काम बहुत ही सावधानी और सजगता से किया जाता था। इन्हें ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता। जब ये काम एक निश्चित रूप से किए जाते हैं, तभी एक शक्तिशाली साधन के रूप में सामने आते हैं। ठीक इसी तरह कुछ वाइब्रेशंस के भी कुछ निश्चित प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन यह मान लेना कि वे सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं और फिर इसी आधार पर उनकी मशीनें बनाकर बेचना बेहद बचकानी बात है। इनमें से अधिकतर मशीनों को कसौटियों पर खरा नहीं उतारा जाता, ताकि यह जाना जा सके कि क्या वे सचमुच कारगर है या उनके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। इन लोगों को अपना सामान बेचने की बहुत जल्दी है, उन्हें कुछ फायदेमंद मिला और वे इसे आपको बेचना चाहते हैं। कुछ भी फायदा कर सकता है अगर वह खास पल में किसी खास तरीके से आपको छूता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह इलाज का स्टैंडर्ड तरीका मान लिया जाए। मैं निजी रूप से यही सलाह दूंगा कि जब तक कोई मशीन कड़े परीक्षणों टेस्ट से न निकली हो, उसे न आजमाएं। एक मशीन, चाहे वह कोई भी मशीन हो, वह ज्यादा से ज्यादा केवल एक खास तरह की भौतिक एनर्जी पैदा कर सकती है, जिसे लोग बायो एनर्जी कह रहे हैं। मैं इसके नाम में नहीं उलझना चाहता। एनर्जी का एक भौतिक और एक अभौतिक आयाम होता है। अगर कोई इंसान किसी भौतिक एनर्जी का इस्तेमाल करे तो उसे ऐसा तभी करना चाहिए यदि वह अभौतिक आयाम में अच्छे से जमा हो, और यही वजह है कि मैं सदा हीलर्स व इस तरह के दूसरे लोगों को डिस्करेज करता हूं। आपने भौतिक एनर्जी के इस्तेमाल का तरीका सीखा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे प्रयोग में लाने लगे, क्योंकि इसकी अपनी संभावनाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं और इसके साथ गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है।
अगर आप अभौतिक आयाम में गोता लगा सकते हैं तो आप भौतिक आयाम से भी थोड़ा खेल सकते हैं। नहीं तो ऐसी कोई कोशिश न करें। जब मैं इंसानों के लिए ऐसा कहता हूँ तो मशीनों के लिए भी ऐसा ही कहूँगा। धन्यवाद।